वेलकम गाइस, आज मैं आपको गोदरेज के एक स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने लॉन्च किया है सेक्टर 3 गुड़गांव में. और दिस इज फर्स्ट टाइम अ मेजर डेवलपर हैज लॉन्च्ड इट्स प्रोजेक्ट इन ओल्ड गुड़गांव. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. इट्स इन सेक्टर 3 अशोक नगर. ठीक है, अब ये एक काइंड ऑफ एलिवेशन है, आर्टिस्टिक एलिवेशन जो आप देख सकते हो. रेस्ट वी मूव फॉरवर्ड. अब आप प्राइजेस अगर आप ऑन डेट की देखोगे तो अभी 1 करोड़ रुपए 2 BHK का पड़ता है, साइमेंटेनियसली 1.45 करोड़ रुपीज 3 BHK का और 1.89 4 BHK का. ठीक है, रेरा नंबर इज 11 out of 2019 234 BHK है इसके अंदर और एक्सपेक्टेड पोजीशन दिसंबर 2022 में है. 7.8 acres है, 34 flats हैं. अब सबसे पहले हम बात करें तो इससे हम वी स्टार्ट विद द हाईलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो हाईलाइट ऑफ द प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि ये एक बहुत ही डेंसली लोकेटेड एरिया के अंदर स्थित है. अशोक विहार ओल्ड गुड़गांव है. ठीक है, इसके अलावा इसके जो साइजेस हैं और फ्लैट्स के भी जो साइजेस हैं दैट इज़ वेरी लेविश. डेंसिटी भी काफ़ी कम है इस प्रोजेक्ट की, ओनली 49 फ्लैट्स पर एकड़. 5 tier सिक्योरिटी है फॉर एवरी यूनिट और दिस इज द फर्स्ट टाइम अ बिल्डर हैज़ गिवन अ 5 tier सिक्योरिटी, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन. सो गाइस, दिस इज अबाउट द 5 tier सिक्योरिटी आई वाज टॉकिंग ऑफ. सो सबसे पहले दे विल प्रोवाइड द बूम बैरियर्स. ठीक है, और उसके बाद दे विल प्रोवाइड अंडर कार स्कैनर जो आपने ज़्यादातर प्रीमियम या होटल्स में देखे होंगे. ठीक है, इसके अलावा 24/7 CCTV सर्वेलेंस होगा, दिस इज अ सेकेंड स्टेज. और जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे वो भी एक्सेस कंट्रोल वेरीफाइड होंगे. ठीक है, तो इनफैक्ट जो आपको सिक्योर कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक गारंटी रहेगी. नाइट गार्ड्स रहेंगे सर्वेलेंस के लिए और बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग रहेगी. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दे यूज़ इट. नाउ इनसाइड मतलब इन टावर्स फ्रंट आपको CCTV कैमराज होंगे और फेशियल रिकॉग्निशन टू योर होम्स होंगे. जैसे लाइक कई बार आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके गार्ड को पता लग जाएगा कि ही बिलोंग्स टू दिस हाउस एंड ही कैन गो देयर. ठीक है, उसके बाद एक स्मार्ट एक्सेस सिस्टम एंड विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ईजी है. आप कार्ड डालोगे आप इनफैक्ट एंड गार्ड विल बी एबल टू नो वेर यूर गोइंग. ठीक है, CCTV सर्विलेंस एट एवरी फ्लोर लॉबी, वो आपने मैंने आपको बता दिया था. दिस द थर्ड एंड नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ लेवल, लाइव गार्ड एट स्विमिंग पूल. ठीक है, और फेशियल रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस, हर कोई क्लब में नहीं घुस सकता. एंड द फिफ्थ इनसाइड यूनिट. सो इनसाइड यूनिट दे आर गिविंग यू वीडियो बेस्ड एक्सेस, वीडियो कॉरिडोर काइंड ऑफ थिंग और फोर वे ऑफ लॉकिंग सोल्यूशंस. ठीक है, और वीडियो में नाउ you might understand what is Alexa home automation with voice controlled access to your utilities. Everybody knows about Alexa and Google now. So it's like Alexa switch on the lights, Alexa switch off the lights, and your instruction will be followed. So it's based on the future digitalization where your voice will control everything. ठीक है, अब उसके अलावा they have emphasized on things like they have given very lavish entrance and a trans green intervention, vertical landscaping. अब जैसे vertical landscaping you might have understood, जैसे आज metro pillars में यह हर जगह एक नया concept आया है vertical landscaping की, जो पूरे के पूरे pillars को vertically वो कर देते हैं. इसे क्या है, कम areas में हम ज़्यादा greenery दे सकते हैं. तो a kind of they are trying to provide like more than 100% greenery in a project, तो maximum area utilization करके. उसके अलावा unique water features, तो ये सब beautification को add करते हैं. अब हम बात करते हैं specification की. तो सबसे पहले हम structure की बात करते हैं. तो it's RCC framed structure building. ठीक है, तो RCC framed buildings वो होती है लाइक पहले जो bricks की बनती थी, अब वो bricks की नहीं बनती है, वो slabs की बनती है. They are modern construction technology, construction भी जल्दी होती है, building भी हल्की होती है और heat observe नहीं करता, इससे building अंदर cool रहती है, ठंडी रहती है और building की life भी अच्छी रहती है. ठीक है, अब electrical and power backup. So grid power डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड बेस्कॉम से, मॉडुलर स्विचेस दिए उन्होंने, कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो अच्छी क्वालिटी की वायरिंग्स है, थ्रो आउट वाया कॉन्सील्ड कंडक्ट्स. ठीक है, 100% पावर बैकअप है प्रोजेक्ट के अंदर. फ्लोरिंग की बात करोगे तो दे हैव गिवन वर्टिफाइड टाइल्स इन द फॉयर. फॉयर इज लाइक जब आप एंट्रेंस करते हो सामने जो एरिया था दैट इज फॉयर. लिविंग डाइनिंग कॉरिडोर्स में इन्होंने वर्टिफाइड टाइल्स दिए हैं, एंटीस्केट सिरेमिक टाइल्स इन बालकनीज. ठीक है, किचन में मिरर पॉलिश ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म विद डेड ऑन ग्लेज टाइल्स एंड लाइनलेट लेवल एंड एसएस लिंक. ठीक है, अब बात करते हैं सिक्योरिटी. तो 5 level सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है. सो मेजरली यू फोकस ऑन लिफ्ट, ओटिस या उसके इक्विवेलेंट ये कंपनी का देंगे. और इसके अलावा प्लंबिंग एंड सैनिटरी, सो देर इज लाइक दे आर गिविंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप्स. द ब्रांड्स ऑफ क्यू एवरीथिंग अदर थिंग लाइक ब्रेविट कोलर, दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स यूज इन WC. ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स की ऑफ द प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट के फीचर्स में देर आर ओनली 4 स्टैंडलोन टावर्स, ये आप देख सकते हो, टावर 1, 2, 3, 4, ये मैं आपको समझा दूंगा. इसके अलावा रॉयल वाटर फीचर्स एट द एंट्रेंस, यू विल सी इन द वीडियो. लेविश डबल हाइट लिफ्ट लॉबीज, तो एक ग्रैंड एंट्रेंस होती है, यू विल सी इन द वीडियोज. और 3 lifts हैं टावर 1, 3, 4 में. ठीक है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड स्विमिंग पूल है, मिनी थिएटर है, 5 tier सिक्योरिटी है. ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग टू द मास्टर प्लान ऑफ गोदरेज हैबिटेट. यू कैन सी द मास्टर प्लान इज लाइक दिस. ठीक है, दे आर 4 towers. ठीक है, दे आर लाइक दिस 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 दिस. और इसके अलावा यू कैन फाइंड
ये रोड आप देख सकते हो, एग्जिस्टिंग रेलवे रोड है, इस पर यह प्रोजेक्ट पड़ता है और सारी की सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो, लाइक एंट्री एग्जिट्स है, अराइवल प्लाजा, टावर ड्रॉप ऑफ्स है, वेक्यूलर रोड्स हैं, ओपन पार्किंग है, क्लब हाउस, कम्युनिटी स्विमिंग पूल, किड्स पूल, क्लब स्पिल आउट, फाउंटेन, कम्युनिटी ग्रीन्स, हर्बल गार्डन, ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, योगा मेडिटेशन विद वाटर फीचर्स, आउटडोर जिम, गार्डन ऑफ स्विंग्स, जॉगिंग ट्रैक, कवर्ड वॉकअवे, फ्लोरल गार्डन, किड्स प्ले जोन, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट्स, कन्वेंस शॉपिंग EWS, ठीक है। सो एवरी प्राइजेस की मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, यू कैन सी इन माई वेबसाइट लिंक, पेमेंट प्लान की डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वॉट एवर इज गोइंग टुडे माइट नॉट गो फॉरवर्ड, लाइक अभी तो दे आर ऑफरिंग दिस प्राइस, कल को मान लो जैसे अभी इन्होंने 30 का प्लान दिया है, इट माइट चेंज इन फ्यूचर, सो दिस वक्त क्या पता कल जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस वक्त कौन सा प्राइस एग्जिस्ट करता है। तो देर आर फ्यू आर्टिस्टिक इमेजेस यू कैन सी फॉर द जिम, मल्टीपर्पज हॉल, नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी द फ्लोर प्लान ऑल्सो, दिस इज 2 BHK, देन दिस इज 3 BHK, 3 BHK, then this is 4 BHK, all thing you can see from our website, location also you can understand. We are starting the presentation of Godrej Habitat, aap isko dekh sakte ho, it looks so beautiful. गाइस अब हम चलते हैं लोकेशन पर, एंड शायद दिस वीडियो विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अलोंग द म्यूजिक फॉर यू। दिस इज वन NH48, सिग्नेचर टावर से जो कट लेके आप जा रहे हो सीधा, आई लव द वीडियो टू एक्सप्लेन यू, दिस इज NH48 और इवन कॉल्ड NH8, ठीक है। आप सीधा चलो, दिस इज अ शिप बिल्डिंग, नाउ यू गो फर्दर, साइबर हब आपने क्रॉस किया, यू क्रॉस द इफ्को चौक, नाउ वाया Exit 7, ठीक है। Exit 7 जो सिग्नेचर टावर वाला कट आता है वहाँ से आप लेते हो, यू टेक अ यू टर्न एंड यू गो टुवर्ड्स अतुल कटारिया चौक, वी आर गोइंग टू ओल्ड गुड़गांव, ठीक है, अतुल कटारिया चौक, देन वी आर प्रोसीडिंग टू शीतला माता मंदिर, दिस इज आर ब्यूटिफुल शीतला माता मंदिर, और फिर वी क्रॉस इट एंड वी टुक अ लेफ्ट एंड फाइनली वी विल बी ऑन द साइड, दिस इज रजांगला मार्ग, ओल्ड रेलवे रोड, यू कैन प्रोसीड, यू कैन सी ऑल द हैबिटेट्स हियर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।